क्या बात है अब्बा, क्या है? बात सुनो, है जब से तेरी तशरीफ की नीचे गाड़ी आई है ना, मजे लग गए तुझे। हाँ इधर है चाबी, चाबी दे, चाबी दे। चाबी क्यों दूँ, आप क्या करोगे? बाप पे तो शक नहीं करना हड़राम, ये ले, ये पकड़ बाइक की चाबी, वो इधर दे। मैं निकालना यार, बाइक पे जाइए उधर, गाड़ी पे गया ना क्या पता रखने वालों, समझा? हाँ सही कह रहे हो, ये लो। और सुन, हाँ उधर जाके भीगी बिल्ली नहीं बनना, कुर्राना पहले आंखें दिखाना, अगर बात फिर भी ना बने ना तो गरीबी का रोना रोने बैठ जाना, मगर गाड़ी की वापसी पे बिल्कुल नहीं मानना, समझा? सुनो, आंख के नीचे निशान ये अभी काला है ना? ना पहले से तो बेहतर हो गया, क्यों? एक काम करो, उसके मुका चढ़ दो। पगला गया क्या? तो जो कह रहा हूं वो करो ना, एक मिनट। भाई सच बोल, वाकई मार दूं? हाँ पक्की बात है? ओके देख ला, आ रहा है फिर तैयार है? गरीब तू गरीब, अबे ओ वो हट रहा भाई, अबे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अबे पानी ला रहा हूँ मैं, अबे पानी किधर है यार? आँख फोड़ डाली मेरी, उठ उठ, अबे देख आँख तो घोल भाई, देख तो मेरी तरफ। क्या कहा के बुढ़े हुए हो, आग फोड़ डाली मेरी, बस मर जाए तेरी। कहाँ गया? मुझे आतिर से मिलना है। आतिर साहब तो ऑफिस में नहीं, आप अपना नाम बताइए। उसे कहें अपना और मेरा वक्त बर्बाद ना करे, मुझे पता है वो ऑफिस में ही है। सर मैं आपको बता चुकी हूँ वो ऑफिस में नहीं है, आप प्लीज मुझे अपना नाम बता दीजिए और ये भी बताइए कि आप किस काम से आई। मायरा वो लड़की जो एचआर में जॉब करती थी ना, उसका शौहर हूँ मैं, इसलिए आया हूँ। एक्सक्यूज मी सर, आप गालिबन मिस मायरा के हस्बैंड हैं। हाँ आप कौन? शेब, शेब सिद्दीकी, HR सीनियर मैनेजर। मैंने ही मिस मायरा को कॉल की थी गाड़ी की वापसी के हवाले से, आप यकीन उसी सिलसिले में तशरीफ लाए। मैं फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा और आतिर का जाती मामला है, मुझे आतिर से बात करनी है। देखिए जनाब, आतिर साहब को इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं है, आप मेरे साथ चलें, बैठ के आराम से बात करते हैं। चलें प्लीज आइए। ये तो गई, लाजिम गई। कितना रोक लेगा सलमान जिद से? 4 दिन 5 दिन गेम करना पड़ेगा कोई इस गाड़ी के लिए, नहीं तो दूसरी गाड़ी के लिए। अबे माया ये सब क्या हो रहा है? हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, इतने हंगामे इतनी लड़ाइयां। तुम्हें भी यही लग रहा है कि मैं ये सब को जानबूझ के कर रही हूँ? ऐसा कुछ नहीं है मायरा, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस सब को बेहतर बनाने में जो तुम्हारा किरदार होना चाहिए वो नहीं है। तो मैं इसके अलावा और क्या करूँ? सलमान की सारी बदतमीजियां सारी ज्यादतियां बर्दाश्त तो करती हूँ मैं। तुम्हें मैंने बताया था कि वो पीता है, उस दिन वो मुझे घर से बाहर ले गया, धमकी दे रहा था कि मुझे जान से मार देगा क्योंकि तुमने अरसलान भाई को बता दिया, उसे बर्दाश्त नहीं हुई ये बात। इसके अलावा और क्या करूं? जो भी है मायरा, ये तुम दोनों मियां बीवी के आपस का मामला है। आतिर वहां कैसे पहुंच गया? मुझे क्या पता, पीछा करते हुए आया होगा, इत्तेफाक से पहुंच गया होगा, मुझे नहीं पता।
और आतिर ने मुझे सलमान से बचाया था, इसलिए उनकी लड़ाई हो गई थी। देखो मायरा, तुम सलमान के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम आतिर को बता क्यों नहीं देती कि वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे, भूल जाए तुम्हें। मिशाल, मैं कह चुकी हूँ, एक बार नहीं हजार बार कह चुकी हूँ, और क्या करूँ। हाँ भाई, क्या मिस कॉल हो रही है बहनों में? मैंने सुना है वो सलमान, क्या नाम है इसका, आतिर, उसके ऑफिस गया था। पापा जान, वो मायरा ने वहां पर जॉब छोड़ दी है ना, तो पता है भाई, पता है, अच्छी तरह पता है। वो जहेज में आया हुआ आशिक ना, वो हमारी नाक का नाक सब कुछ बंद करने के चक्कर में लगा हुआ है। देखिए पापा जान, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि हर ऑफिस की कुछ पॉलिसीज। और रहने दो बेबी, रहने दो, ये अखलाकियात का दर्द जो है ना, वो देने की जरूरत नहीं है हमें, अच्छी तरह मालूम है। और अपनी आदत नहीं है किसी पराई के माल के ऊपर नजर रखने की। हाँ, कर देगी गाड़ी वापस, बोल दूंगा सलमान से मुंह पे मार के आएगा उनको, मगर यही याद रखना कि घर के अंदर गाड़ी की जरूरत है, समझ आ गई? एक गाड़ी इस घर से जाएगी ना तो दूसरी आएगी। जाओ बता दो अपनी माँ को, क्या बताओगी, 0 मीटर गाड़ी चाहिए घर में, उसके बगैर गुजारा नहीं होना, मेरा नहीं तुम दोनों का, बोल दो। क्या करूं इनका मैं, अब मम्मी कहां से देंगी इनको गाड़ी? मायरा, तुम प्लीज आतिर से बात करो। मुझे आतिर से बात नहीं करनी, मुझे नहीं करनी उससे बात। मायरा देखो, वो ये सब कुछ सलमान की जेलसी में कर रहा है ना, तुम प्लीज उससे बात करो। अगर तुमने उससे बात नहीं की तो अम्मी कहां से देंगी इन लोगों को गाड़ी? ये सब कुछ बाबा मुझे टॉर्चर करने के लिए कर रहे हैं, क्या जरूरत थी उससे गाड़ी वापस लेने की? देखो आतिर, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा पागलपन अपनी जगह, लेकिन कंपनी की भी कुछ पॉलिसीज है ना यार। अभी कहाँ है वो? वो शोएब उसे अपने रूम में लेके गया। अजीब कोई घटिया किस्म का इंसान है यार ये। वहां रिसेप्शन पे जिद लगाई हुई थी कि मैं आतिर से मिले बगैर नहीं जाऊंगा,